आपने बचपन में सबसे पहले किसकी नकल उतारी थी? सबसे पहले मैंने इंग्लिश के टीचर की वहाँ पे मिमिक्री की, जो लाइव, अच्छा वो सामने बैठे, उनके दांतों में बड़ा गैप था तो वो भी बहुत होता था, नहीं? तो हवा जो है। हाँ, होती है, कई लोगों को मुंह से पटाखे मारने की आदत है। हाँ, ये देखे ना, खान साहब तो मुंह से फायर भी बड़े अच्छे कर लेते हैं। तो सबकी आप अभी तक मिमिक्री कर चुके हैं सिवाय मेरे। फिजा ये मेरे सेट पे होते हैं, हर कैरेक्टर की मिमिक्री करते हैं। मैंने इनको इतनी दफा बोला, इतनी दफा रिक्वेस्ट की कि कभी मेरी भी मिमिक्री करके दिखा दें, तो आज आप कर ही दें थोड़ी सी। नहीं नहीं, आपकी आई वॉन्ट टू सी के कैसा है। जी, ये करनी चाहिए। ओह या, ये वाले एक्सप्रेशन अच्छा, कलाबाजी चाचा जी, तुहाड़ा अपना बड़ा पसमांदे इलाके दी तलाक याफ्ता औरत जिहा मूह है, तुसा प्लीज इहो गल ना करो, मैं ही कुत्ता भला पा दूं। मैं आपको बोलूं कि पंजाबी में आपने इंग्लिश एक्सेंट डालना है तो कैसे करेंगे? एक लफ्ज है डायरेक्ट या डायरेक्टर, मिसाल के तौर पे अंग्रेजी का लफ्ज है। अब कराची की लिंगो में इसको आप किस तरह बोलेंगे? जैसे आप वहां पे, अबे डायरेक्ट वहां पे पहुंच जा, डायरेक्ट यानी खींच के, अबे क्या कर। और यहां पंजाबी में है थोड़ा मजा, ओए 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 ट्रैक्ट उठे पहुंच, ट्रैक्ट ट्रैक्ट बीच में कोई आप ट्रैक्ट, ये वाला है। पंजाबी में इंग्लिश मिक्स करने का वो मजा नहीं है जो पठवारी में मिक्स करने का। अच्छा है। हाँ, जरा हो जाए फिर। एप्पला चाय की नो, ये एप्पल उठा लो, डोरा बंद करी गचो, एयर अश्नी, दरवाजा बंद कर दे, ये रास्ता नहीं है। नहीं, दरवाजा बंद कर दो, हवा आ रही है, एयर अश्नी, एयर अश्नी। अच्छा, मैंने बस राइकी वाला रश समझ लिया। बारियां शट करी किनो, खिड़कियां बंद कर दो। लगता है हिना जी पोठोहार च रहे हैं मीना। चले अब मैं बोलती हूँ, आपने गेस करना है कि मैंने क्या बोला है। ठीक है। माँ मरीड़ी पियो तंदूला पुत्र केसर दी जाट। माँ मरी हुई है, पुत्र काम पे गया है, और फिर क्या हुआ? फिर कार की चोरी हो गई, दस का बला। नहीं नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है हमें सरायकी नहीं आती? चले आप गेस कर ले। दोबारा बोले जरा। माँ मरीड़ी पियो तंदूला पुत्र के सुर दी जाए। नहीं आती। अच्छा जी, आप ही एक्सप्लेन कर दें। भाई माँ मरीड़ी, भाई माँ का कोई हाल को नहीं, पियू तंदूला पियूषोदे का भी हाल को नहीं, मतलब अम्मी का भी हाल नहीं है, अब्बू का भी हाल नहीं है, लेकिन बेटा केसर की जड़ है। मेरी बात सुने, अगर माँ किसी काम की नहीं, बाप किसी काम का नहीं, तो आप उस फैमिली में क्या लेने गए? यार भाई, मुहावरा है, जड़ है, समझ नहीं आया। एक अलग गाना कब से शुरू किया आपने? जब मैं 5 क्लास में थी तो मुझे थोड़ा सा शौक पैदा हुआ, स्टेज प्रेजेंस मैंने बचपन से ही दिया है। उसके अलावा मैं एक टेबलो करती थी अपने, उसमें मैंने स्कूल में किया था, वो मेले क्या तो नाइया नाइया कर रही है, तंदे तंदे पानी से नाना चाहिए उस तरह से। तो वो एक टेबलो मेरा बहुत क्लास में, वो कहते थे इस बच्ची को बुलाओ, ये करेगी ये करेगी। तो वो क्या, मेरी काटो मर गई। क्या हुआ, क्यों मर गई? वो मैंने उसको नचोड़ दिया। मतलब उस टाइम वो इतना बचपन में अच्छा, वो मेरी एक मेमोरी का हिस्सा था। मैं पेंट्स से बहुत खेलती थी, गाने के साथ साथ मैं अभी भी स्केचिंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ। मुझे पेंटर बनना था, आर्टिस्ट बनना था, मेरे अब्बा ने कहा बेटा नहीं, अभी इसको बंदा बन जा तू। बंदा कैसे बनूं, वो आप बन जाए। क्या आप न्यू ईयर के इवेंट्स पे जाती हैं या फिर सादगी से घर में नया साल मना लेती हैं? जो नए साल का आगाज है, जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो मैं 2 नफल पढ़ती हूँ और अगले साल के लिए दुआ करती हूँ कि आने वाला जो साल है वो खुशियों से भरपूर हो और सब कुछ उस साल में अच्छा हो। और इसके अलावा सोशलाइज भी करती हूँ, फ्रेंड्स के घर पर गेट टुगेदर होता है तो 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, प्रॉपर केक कटिंग सेरेमनी होती है और सब जो फ्रेंड्स हैं वो गेट टुगेदर होता है तो सेलिब्रेट करती है। हाँ जी, वाह। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਚਾਚਾ? ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਨ ਖਾਵਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਚਾ। ਚਾਚਾ ਕੋ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਚਾ
कॉम्प्लीमेंट ना समझे, वो ये कह रही है हमारे इलाके में सदके में पत्थर मारे जाते हैं। मारो पत्थर, मुंह से पकड़ के भाग जाएगा। चाचे दा अपना मुंह ही बट्टे आ रहे। लड़ाई हो जाए ना तो ये ईंटें उठा उठा के अपने घर को मारता है। उसी से बाथरूम बनाया इसने अपना। चाचा का बाथरूम इतना तंग है कि कहीं अगर डिगने भी लगो ना तो साथ ही दीवार आ जाती है। चाचे का तो बेडरूम भी इतना तंग है, सोता भी खड़े होके दीवार से टेक लगा के। और तो चाचा फिर करवट कैसे बदलता? करवट नहीं बदलता, सिर्फ दीवार बदलता है। नियत भी बदल लेना। नियत भी बदल लेना, कपड़े क्यों नहीं बदलते? अजवाल देखो ना, श्रीलंका का मलंगा लग रहा। अच्छा, हम डब स्मैश कराने लगे यहाँ पर, और डब स्मैश के लिए आवाज आपकी होगी मुबीन, और हिना आप जो है उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देंगी, ठीक है? आप बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ठीक है, तो चलिए जी एक्शन। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं हिना न्याजी भेंगी हूँ। ये मोटर में किसने बनाई? और आज इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी एक टांग लकड़ की है। चले चले मियाँ साहब, एक लकड़ की टांग उठा ही लेती हूँ। हर न्याजी जो है वो इमरान खान नहीं होता। आपके पर्सनल ग्रजेस, आपके कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ है, मेरे साथ क्यों पर्सनल हो रहे हैं? हमें तो न्याजियों ने लूटा, जरदारियों में कहां दम था। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां नैब प्रोसिक्यूटर का जोर कम था। अच्छा, दूसरा डब स्मैश वो आप इकरा के साथ कर रहे हैं, और इकरा रेडी हो जाए क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके साथ जा रहे हैं बिलावल साहब। और बिलावल साहब के लिए बहुत सारी तालियां। चले जी एक्शन। तो मैं आपको बता देना चाहते हूँ कि मैं एक सियासतदान नहीं बनना चाहता था, मैं तो रॉक स्टार बनना चाहता था, लेकिन दाढ़ियों के साथ मेरी डील ना बन सकी, इसलिए पापा ने मुझे यहाँ ले आए हैं। फिजा जी, एक डब स्मैश आप भी करें इमरान खान वाला। मैं भी एक पार्ट टाइम सिंगर हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो एक गाना आपकी खिदमत में पेश करूँ। चलो, चुप जो है वो हाँ ही होती है, ठीक है। ये जो मैसेजेस तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के स्कैंडल्स बन गए, सवेरा जो हुआ तो न्यूज बन गए, जब रात आई तो टिकर बन गए। जो तुम रानहान वर्गा मुंह बनाया ना, पपड़ दी अम्मी लग रही। आपने उसकी अम्मी को इतने गौर से देखा हुआ। रिमेनिंग पार्ट आइए जी।